नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट रवि रविंदर, मेरे यूट्यूब चैनल रवि किराना बिजनेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। सबसे ज्यादा कमेंट आ रहे हैं कि भैया नई दुकान करनी है, सामान है वो कौन कौन सा सामान दुकान में रखे, क्या क्या सामान लाए, हमें तो पता नहीं है कि दुकान में कौन सा सामान आएगा। टोटली मेरी दुकान में जितना भी सामान रखा है ना, टोटली लिस्ट बना के आप लोगों के सामने पेश करने वाला हूं। कोई टेंशन नहीं होगी, नए जो जिसको दुकान करनी है, नई दुकान करनी है, नया दुकानदार जिसको बनना है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही फेस करते हैं, यार सामान कौन सा लाऊं, कहां से लाऊं, कहां से का तो मतलब वो तो मैंने वीडियो पहले बना रखी, लेकिन लाऊं क्या क्या, क्या क्या सामान लाना है, ये टोटली सामान मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि इस सामान जितना भी मेरे पास सामान है इसकी लिस्ट बना के आप लोगों के साथ पेश करूंगा। आज मैं नए दुकानदार को, खासकर स्टार्टिंग में जैसे मैंने ये दुकान की थी, मुझे खुद नहीं पता था कि मुझे क्या क्या सामान लाना है, तो आप लोगों को वो दिक्कत फेस ना हो इसीलिए आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करूंगा मैं कि आप लोग अपनी दुकान पे स्टार्टिंग में जो मेन जरूरी 90% तक बता दूंगा मैं आप लोगों को क्या क्या सामान चाहिए। आपको उस सामान को अपने एरिया के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि आपको कौन कौन सा सामान इसमें रखना है, ठीक है। तो देर ना करते वीडियो करते हैं शुरू। तो पहले नंबर पे ले लेता हूं मैं गेहूं, लेकिन आप लोग इसको मत लीजिएगा क्योंकि गेहूं कई जगह पे बिकता है, कई जगह पे नहीं बिकता, तो आप इसकी जगह पे आटे को डिसाइड कर सकते हैं। दूसरे पे है खीर के चावल, फिर है चावल बासमती चावल, डोसा चावल, चावल टुकड़े वाला, साबूदाना, अरहर की दाल, उड़द की दाल, साबुत उड़द दाल, तूर दाल, मूंग साबुत दाल, मूंग छिलके वाली दाल, लाल मसूर दाल, सोयाबीन, सफेद चना और काले चने। इसके बाद है राजमे काले, राजमा लाल, छोले, लाल मिर्च, गरम मसाला, धनिया पाउडर, बेकिंग सोडा और आमचूर पाउडर। यह है सेकंड पेज पे। अब बात कर लेता हूँ तीन नंबर पेज पे है हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, हींग, सांभर मसाला, मंचूरियन मसाला, चाउमीन मसाला, पाव भाजी मसाला, मैगी मसाला, चाट मसाला, कसूरी मेथी, कस्तूरी मिर्च, लाल मिर्च जो होती है MDH की, छोले मसाला पाउडर होता है, चना मसाला पाउडर होता है और पनीर मसाला, मतलब मसाले में जितनी वैरायटी है आप लोगों को तमाम सभी रखनी होती है। बात कर लेता हूँ नेक्स्ट पेज पे है दालचीनी पाउडर और साबुत, दो मतलब पाउडर भी आता है दालचीनी का और साबुत भी आती है, सौंफ पाउडर और साबुत सौंफ भी रखनी है, अजवाइन का पाउडर भी रखना है, मीट मसाले का पाउडर रखना, वो वैसा ही आता है मीट मसाले में तो खैर अच्छा, मेथी दाना रखना आपको, राई रखनी है, लौंग रखनी है, अजवाइन रखनी, छोटी इलायची, सौंठ, नमक और मैदा, ये सब आपको रूटीन में बिकने वाली आइटम है, ये जितनी भी है इस पेज पे रूटीन में बिकने वाली है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को रखनी है। चलिए आ जाते हैं अब नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट में है बेसन है, खांड है, चीनी है, गुड़ है, शक्कर है, बूरा, शहद, मीठी खील थोड़ा सा कम बिकेंगी, बाकी चीजें सभी बिकेंगी, और मिश्री, मिश्री का मैं बता दूं आप लोगों को, एक मोटी मिश्री आती है, धागे वाली आती है, और एक जो सिंपल मिश्री होती है जो प्रसाद वगैरह में यूज होती है, आप लोगों को दोनों रखनी है। जो धागे वाली मिश्री होती है वो थोड़ा कम बिकती है, लेकिन लानी आप लोगों को दोनों है। तो ये है मेन चीजें जो ये भी रूटीन में बिकने वाली चीज है, सिर्फ मीठी खील को छोड़ के, मीठी खील रूटीन में नहीं बिकेगी। अच्छा अब आ जाता हूं मैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट में है मैदा, सूजी, सॉस, सॉस आपको दोनों रखनी है, बोतल में भी रखनी है और पाउच में भी रखनी है। अच्छा चाय पत्ती खुली भी रखनी है और पैकेट में भी रखनी है, कॉफी, कॉफी के छोटे पाउच भी रखने और डिब्बे वाले भी रखने, ग्रीन टी है इसी तरह से, लेमन टी है, पोहा है और पास्ता है। पोहा साउथ साइड में बहुत ज्यादा बिकता, खुले में भी बिकता और पैकेट में बिकता, लेकिन ये पास्ते के बाद में एक चीज मेंशन करनी भूल गया इसमें, मैक्रोनी वो भी रखनी है आप लोगों को, 69 लगा लीजिए या 68 = 2 कर लेना, मतलब पास्ता मैक्रोनी। अब बात कर लेता हूं मैं लास्ट पेज पे। लास्ट पे है मैगी है, नूडल है, बादाम, किशमिश, अखरोट, पिस्ता, काजू, खजूर, मुनक्का मोटी वाली होती है ये रखनी है आपको, अंजीर, आम पापड़, आम पापड़ कई जगह पे नहीं बिकता, वो आप देख लेना आपके एरिया के हिसाब से बिकेगा या नहीं, आड़ू और केसर, केसर का मैं बता दूं केसर बहुत ही महंगा होता है, मेरे ख्याल से आप अगर स्टार्टिंग में दुकान कर रहे हो तो ना ही रखिएगा केसर, वैसे मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया, लेकिन आप लोग अगर ना रखे तो ठीक है, लास्ट में अगर कोई डिमांड आ जाती है आपके पास केसर की तो आप रख सकते हैं। तो ये मेरे कुछ ऐसे ऐसे मेन पॉइंट जो शायद ही आप लोगों को पता होगा इनके बारे में, कुछ आइटम के बारे में पता होगा लेकिन कुछ ऐसे हिडन आइटम है जिसमें नए जो दुकान कर रहे हैं उनको शायद नहीं पता होगा। अच्छा गाइज, ये जो लिस्ट मैंने आप लोगों को प्रोवाइड की है, मैं जानता हूँ इसमें तमाम आइटम नहीं है, नए दुकानदार को शायद नहीं पता होगा, वो सोचेगा कि तमाम आइटम है लेकिन इसमें तमाम आइटम नहीं है, बिकॉज पंगा क्या होता है कि किराना की दुकान में बहुत ऐसी आइटम होती है जो किसी को भी नहीं पता होता। फिर भी ये मैंने जो आइटम लिखे हैं, जो बताए आप लोगों को, एक तो ये और दूसरा बता देता हूँ मैं, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, उसमें मैंने हर आइटम को अलग अलग करके लिखा हुआ है, जैसे ये दालें हैं, ये मसाले हैं, हर आइटम को अलग अलग करके दे रखा है, तो उस लिंक पे जाके आप वो फाइल डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें इससे कुछ आइटम अलग भी हैं जो इसमें बचे हो गए आइटम वो उसमें आपको कवर हो जाएंगे, मतलब जैसे मैंने कुछ आइटम ऐसे हैं जो इसमें नहीं बोले, शायद टाइप करते टाइम पर मुझे याद नहीं रहा क्योंकि बहुत
दिमाग में पता नहीं क्या क्या आता रहता है, खैर तो आप वो पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लीजिएगा और उसमें आप लोगों को तमाम लिस्ट मिल जाएगी। फिर भी अगर आपको दोनों आइटमों में मतलब दोनों लिस्टों में कुछ आइटम ऐसा बचे जो आपको लगे कि नहीं है, तो मेरी पुरानी वीडियो जाके देख लीजिएगा, एक ए टू जेड करके एक वीडियो है मेरी, उसमें आप लोगों को सारे आइटम का रेट पता चल जाएगा। उसमें तो रेट समेत मैंने आइटम बता रखे। आज की वीडियो में हालांकि मैंने रेट नहीं बताया कौन सा आइटम कितने का पड़ेगा, लेकिन आज की वीडियो यही थी कि भाई नई दुकान करने के लिए आपको कौन कौन सा सामान नई दुकान में रखना चाहिए। और एक चीज़ बता दूँ मैं आप लोगों को, ये आइटम ऐसे आइटम है कि आपके एरिए में शायद इनमें से कुछ आइटम ना बिके हैं, तो आप अपने हिसाब से मैनेज करना होगा आप लोगों को कि आपके एरिया में क्या ये आइटम बिकते हैं। ये नहीं है कि भाई रवि भैया ने बोला था कि मैं ये लिस्ट है ये सारे उठा लाओ यार, ये ना बिके तो नुकसान हो जाएगा, तो ये आइटम मुझे किसी एक पर्टिकुलर एरिया के लिए तो नहीं बनानी थी, मुझे सभी के लिए वीडियो बनानी थी। तो आप अपने हिसाब से इसमें से देख लीजिएगा कि भाई 72 या 100 के से भी 100 प्लस आइटम हो जाएंगे, क्योंकि दूसरी पीडीएफ फाइल को मिला के 200 के करीब हो जाएंगे। तो आप उसमें से अपना हिसाब से लगा लीजिएगा कि भैया इतने आइटम मेरे एरिया में इसमें से ये बिकेंगे और ये नहीं बिकेंगे, वो आप लोग ला सकते हो। फिर भी अगर कोई पेंडिंग हो तो मैंने बताया जैसे करके मेरी ए टू जेड करके एक वीडियो है, उसमें आपको पूरी डिटेल मिलेगी रेट के साथ। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।